हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। एक नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है ट्यूसडे 28 दिसंबर 2021। एक्चुअली संडे हम लोग का प्लान था, लेकिन कहीं हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि सैटरडे जैसे कि क्रिसमस था, हम लोग गए थे एक दूसरा प्लेस गए थे, और उसका ब्लॉग बहुत जल्दी मेरा चैनल में आएगा। वो एक्चुअली उड़िया चैनल में आएगा। और अभी एक्चुअली मैं आया हूँ, जाजपुर आया हूँ, और जैसे कि मेरा 2-3 ब्लॉक है, ललितगिरी, उदयगिरी और उसके बाद रत्नगिरी। ललितगिरी ब्लॉग में मैं बताया था कि एक ओड़ासुनी टेम्पल है, उसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लोर करूँगा। अभी मैं हूँ चंडीखोल से 20 किलोमीटर टुवर्ड्स पारादीप NH में, और यहीं से आप देख सकते हैं ओड़ासुनी हिल्स। एक्चुअली हम लोग का एक काम है, पहले सोचे कि जैसे ब्लॉग कर लेंगे उसके बाद हम लोग काम पे जाएंगे, क्योंकि अगर शाम हो जाएगा तो प्रॉपरली ब्लॉग नहीं हो सकेगा क्योंकि विजिबिलिटी अच्छा नहीं रहेगा। अभी निकलते हैं, ओड़ासुनी हिल एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद मेरा जो काम है ख़त्म करूँगा, उसके बाद रिटर्न टू भुवनेश्वर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कोई अपकमिंग वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। बहुत जल्दी मेरा और भी सीरीज़ रहेगा, आउट ऑफ ओडिशा का सीरीज़, रांची का सीरीज़ आएगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। NH से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर राइड करके हम लोग पहुँच चुके हैं ओड़ासुनी हिल के पूरा टॉप के ऊपर। थोड़ा घाट रोड है, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 400-500 मीटर है, और पूरा टॉप में पहुँचने के बाद व्यू देखिए। संत अरिकीत दास जो थे उनका समाधि है यहीं पे, उनके लिए ये जो ओड़ासुनी हिल बना है, ओड़ासुनी जो है केव उनके लिए है। और यहाँ पे नॉर्मली संडे आप आएंगे तो, अभी जैसे कि पिकनिक सीजन है, नॉर्मली संडे आएंगे तो यहाँ पे पिकनिक होता है बहुत सारा। वैसे आज तो ट्यूसडे है और यहाँ पे नॉनवेज भी अलाउ है, अगर आप ओड़ासुनी हिल आते हैं पिकनिक करने के लिए नॉनवेज भी आप कुक कर सकते हैं। अभी अंदर हम लोग जाते हैं, प्रॉपरली मंदिर एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद रिटर्न आएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। कैसा लगा ओड़ासुनी फील? बहुत अच्छा, थोड़ा पिकनिक होता तो अच्छा होता, थोड़ा चिकन फिकन लाते यहाँ पे, थोड़ा मस्त कुकिंग करके खाते। गुपचुप खाएगा? खिलाओगे तो खाऊंगा। नहीं नहीं, सॉस डालना पड़ेगा हर गुपचुप में, लेकिन तुमको टमाटर सॉस खाना पड़ेगा, खाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं मेन एंट्रेंस मंदिर का, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मेंटेन करके रखा गया है। देखिए चारों तरफ से टाइल है और बहुत ही सुंदर गार्डनिंग किया गया है। मंदिर में पहले एंट्री करेंगे, राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर है। और आगे में देख सकते हैं बहुत ही पुराना पेड़ है। ये शायद मेन मंदिर है, नहीं?
यहाँ पर ऐसे ही बहुत फॉरेनर आते हैं, मैं सुना हूँ यहाँ पे। हाँ, जितना भी इन लोग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ना ये आसपास में, जितना जिसको हम लोग डायमंड ट्रायंगल बोलते हैं, हाँ मंदिर शायद अभी बंद है। अभी जितना भी डायमंड ट्रायंगल है ना, ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी, तीनों को डायमंड ट्रायंगल बोलते हैं। कौन ये कौन है ये छेना ये नड़िया करा गुड़ रे नहीं चीनी रे भी गुड़ रे कितना है 50 टका ठीक है और ये 60 टका मंदिर कितने बजे खुलियो 7:00 खुलियो ये प्लेस को एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है, जैसे कि लगता नहीं कि ये कोई मंदिर प्लेस है। और सबसे मेन चीज़ है ये वाला प्लेस, इतना सारा पेड़ है और इतना हरा भरा है, जैसे कोई हिल स्टेशन में, जैसे कोई कॉटेज, जैसे कोई फार्म हाउस, उसी टाइप का लगता है। सबसे ज़्यादा इन लोग बहुत ही पेड़ रखे हुए हैं, बहुत ही चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ हरा भरा है, बहुत ही सुंदर लगता है। लास्ट टाइम एक्चुअली 3-4 साल पहले इस रोड से मैं क्रॉस कर रहा था, जो NH से, पारादीप NH से, पहाड़ के ऊपर वैसे कुछ दिखाई दिया, मैं सोचा क्या है, मैं अकेला ही था। ऊपर आया, थोड़ा घूमा 10-15 मिनट, उसके बाद निकल गया। और मुझे एक्चुअली मैं प्रॉपरली चारों तरफ से विजिट किया नहीं था, और आज ही मौका मिला इस प्लेस को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने का। बहुत ही अच्छा प्लेस, बहुत ही अच्छा है। और आज वैसे भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, नॉर्मली संडे तो बहुत भीड़ रहता है इस एरिया में, ये वाला प्लेस पिकनिक एरिया है इसलिए। और वैसे भी आज नॉर्मल भी बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे आए हुए हैं। जो मेन मंदिर देख रहे हैं अभी ये बंद है, शायद 4 बजे खुलेगा, लेकिन हम लोग उतना देरी वेट कर नहीं सकते। अभी हम लोग निकल जाएंगे और हम लोग को जाना है 20 किलोमीटर आगे। सो प्रॉपरली मंदिर जो है अंदर से मैं दिखा नहीं पाऊँगा, देख सकते हैं गार्डनिंग एरिया। और ये प्लेस में भी बहुत सारा साधु संत भी रहते हैं, बहुत सारा वैसे घर है उनके लिए। और यहाँ पे आएंगे तो कम से कम 2 घंटा आप टाइम स्पेंड आराम से कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। एनवायरमेंट बढ़िया। सो ये वाला देख सकते हैं पीछे का प्लेस जो मंदिर का, और इस तरफ से भी सीढ़ी है। एक्चुअली मंदिर आने के लिए दो तरफ से रास्ता है, पीछे की तरफ से एक है, सीढ़ी से आ सकते हैं, और आगे की तरफ हम लोग जो गाड़ी में आए हैं। और यहाँ पर भी जिन लोग मंदिर में वैसे काम करते हैं उन लोग के लिए भी ये पार्किंग, उन लोग गाड़ी पूरा अंदर लेके भी आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर वैसे नाइट हल्ट करना चाहते हैं तो गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा, एक दिन आप रुकिए, कभी भी आप ओड़ासुनी आइए, एक दिन रुक के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और एक बार बता देता हूँ, ओड़ासुनी जो है चंडीखोल से 20 किलोमीटर और कटक से 60 किलोमीटर डिस्टेंस में है, भुवनेश्वर से 80 किलोमीटर डिस्टेंस में है। पहाड़ के ऊपर मंदिर है और जो है संत अरिखित दास का समाधि है। थोड़ा थोड़ा हवा दे रहा है और वैसे भी विंटर का सीज़न है, मतलब गर्मी में तो थोड़ा गर्मी लगता होगा यहीं पर, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा फील है। तो ट्राई करता हूँ एक दो ऊपर से अच्छा सा एरियल व्यू लूँगा, उसके बाद यहीं से हम लोग निकलेंगे। अभी भी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, रेगुलर डेवलपमेंट काम चल रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान है, जैसे कि मिठाई रिलेटेड कुछ सामान है, आप परचेस कर सकते हैं यहाँ पे अगर आएंगे।
जो मेन मंदिर है शायद 12 बजे बंद होता है, उसके बाद 4 बजे ओपन होता है, और उससे सराउंडिंग 2-3 मंदिर भी है और कुछ गेस्ट हाउस है और भी बहुत सारा प्लेस है। सो यहाँ पे देख सकते हैं महंतो महाराजा का आश्रम। और एक बात अभी सत्य की तरफ से पता चला कि यहाँ पर अगर गेस्ट हाउस में अगर नाइट होल्ड करना चाहते हैं तो नॉन एसी रूम आपको 600 आएगा और एसी रूम 1200 ना, एसी रूम आपको 1200 आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रूर, आप अगर आप यहीं पे आते हैं, अगर आप ओडिशा से आते हैं, कहीं से भी आप इंडिया में हैं, अगर आप कटक भुवनेश्वर या सर आते हैं या बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो जाजपुर में है, डायमंड ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, अगर यहाँ पे विजिट करने के लिए अगर आते हैं तो ओडासुनी जरूर आइए, क्योंकि वो तीनों प्लेस में आपको नाइट हल्टिंग का सुविधा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। यहाँ पे एक दिन रुक के उसके बाद ललितगिरी, उसके बाद रत्नागिरी और उसके बाद उदयगिरी घूम के आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सो अभी थोड़ा एरियल फुटेज हम लोग लेने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो, उसके बाद हम लोग का जो डेस्टिनेशन जो प्लेस है निकल जाएंगे। माल समान कलर टी अलग ना कौन लेंबू टे पका लेंबू ना यही तो मेन जिन तार तो लेंबू लेंबू टू खटा जिन आई ना कौन कोला आई डोंट थिंक सो सो देख सकते हैं सत्य चुस्की का मजा लेते हुए। हाँ लेंबू टे दियो जल्दी रखी जाओ काटो डी लेंबू काटो तो एक्सपेक्टेशन भी तेरे बड़ी बड़ी जा चुकी है लेंबू बहुत कष्ट से जुगाड़ कर आज जल्दी रख ली रखूँ ना दी जल्दी रहा ऐसे पढ़ ले मजा लगे ना वो। सो हल्का हल्का हम लोग को भूख लग रहा था, मुझे और सत्य को थोड़ा गुपचुप और थोड़ा आइसक्रीम चूस के खा लिए। अभी टाइम हो गया 3:30 PM, यहीं से अभी जाने का टाइम हो गया क्योंकि हम लोग को जाना है रत्नागिरी और 20 किलोमीटर आगे, उसके बाद फिर रिटर्न करेंगे 90 किलोमीटर, और ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते। एक्चुअली मन था यहाँ पे और आधा घंटा काटने का, लेकिन टाइम नहीं है हम लोग के पास। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।